तो चलिए शुरू करते हैं आज की इन्फ्लुएंस। तो पहली खबर निकल के आ रही है एविएशन इंडस्ट्री द्वारा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा कहा गया है कि सरकार को हवाई अड्डों के अगले सेट का निजीकरण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो ज्यादातर छोटे शहरों में स्थित हैं। पेंडेमिक के कारण हवाई यात्रा में काफी कमी आई है। अभी भी टीयर 2 और टीयर 3 स्थानों पर पूर्ण कोविड स्तर पर ट्रैफिक अनसर्टेनिटी है, जगनारायण पद्मनाभन द्वारा बताया गया है। और इसके अलावा नॉन एरो रेवेन्यू पोटेंशियल भी सीमित है और यह बोली लगाने वालों के लिए नम्रता का काम कर सकता है जो कि अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं। फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा बजट में टीयर 2 टीयर 3 सिटी में AAI द्वारा रेगुलेटेड एयरपोर्ट का प्रवेशन किया जा रहा है। और दूसरी खबर निकल के आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के CM जगमोहन रेड्डी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्य में IT और उससे संबंधित इंडस्ट्री को बसाने के लिए विशाखापट्टनम, तिरुपति और बेंगलुरु के पास 3 कॉन्सेप्ट सिटी की स्थापना के लिए कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि इन शहरों को IT प्रगति में योगदान देना चाहिए और अधिक से अधिक उद्योगों को लाकर राज्य के विकास में मदद करनी चाहिए और बड़ी संख्या में जॉब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर गांव में अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस सुनिश्चित करने पर ध्यान दें और सभी गांव में लाइब्रेरी की सुविधा हो। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पार्क जो कि विशाखापट्टनम में होगा को विकसित करने की योजना बना रही है। तीसरी न्यूज निकल के आ रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन द्वारा। केंद्र द्वारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 5,000 करोड़ रुपये में पुनर्विकास किया जाएगा। प्रस्तावित सुविधा में कंजेशन फ्री नॉन कन्फ्लिक्टिंग एंट्री एग्जिट, स्टेशन परिसर से बाहर निकलना, यात्रियों के लिए आगमन प्रस्थान भीड़ भाड़ के बिना, पर्याप्त कॉन्फ्रेंस एरिया, परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकरण जैसे कि बस, मेट्रो, ETC, यूजर फ्रेंडली इंटरनेशनल साइने और ड्रॉप ऑफ, पिकअप और पार्किंग के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो के माध्यम से और दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के माध्यम से दिल्ली NCR के साथ IGI अड्डे से जुड़ा हुआ है। स्टेशन के दोनों ओर DTC बस सुविधा का भी प्रावधान होगा। आज की चौथी खबर निकल के आ रही है असम से। असम में घटते कोरोना वायरस मामले के मद्देनजर राज्य सरकार ने अगले महीने से रेलवे स्टेशन, भूमिगत मार्ग और हवाई अड्डों पर 1 मार्च 2021 से COVID-19 टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार असम में कुल 1,08,512 स्वास्थ्य कर्मियों को तथा मंगलवार को 8,988 वर्करों को कोविड वैक्सीन मिल चुकी है, जिसके तहत राज्य में कोरोना के घटने के कारण यह सुविधा हटा दी गई है। कोरोना के कम केस आने के कारण राज्य में COVID-19 टेस्ट जरूरी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।